अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ड्रामा सीरियल दो बोल की नेक्स्ट प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि समीर आ जाता है गेती के पास। गेती जब उसे देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बदर को कुछ अनदेखा सा महसूस होता है, कुछ गैर यकीनी सा होता दिखाई दे रहा होता है। और जब गेती समीर से बात कर रही होती है तो गेती उससे कहती है कि समीर हमें कुछ करना होगा, तो समीर कहता है कि हाँ मैं भी इसीलिए आया हूँ क्योंकि अब ये शादी तो रुकने वाली नहीं है, तो तुम्हें मेरे साथ घर से भाग जाना होगा। और यूँ वो इस अमल पेरा हो जाते हैं और गेती बदर के साथ घर से भाग आती हैं। लेकिन वो दरअसल बदर के साथ नहीं भागती, उसका सारा प्लान होता है कि जब हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो समीर को फ़ोन कर देंगे और समीर को वहां पर बुला लेंगे। लेकिन बदर इसी मौके से फ़ायदा उठाता है और वो समीर को कुछ भी नहीं बताता, बल्कि खुद वो गेती के साथ हो जाता है। और जब गेती के चाचा को इल्म हो जाता है तो वो उनके पीछे पीछे आता है और आखिरकार उन्हें पकड़ लेता है, और यूँ वो बदर को मारते घसीटते घर ले आते हैं और गेती को भी। गेती कहती हैं कि मैं बदर के साथ नहीं भागी थी, लेकिन किसी को भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि आखिर बदर ही था उसके साथ, और आंखों देखी सच्चाई तो कोई झुठला ही नहीं सकता। वो लोग बदर को मार मार कर अदमुआ कर देते हैं, लेकिन किसी के बात नहीं सुनी जाती। गीती रो रो के हलकान हो रही होती हैं, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। और आखिर इकबाल साहब यानी गेती के बाप एक फैसला करते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने हमें कहीं का ना छोड़ा, हमारे मुंह पे कालक मल दी, अब एक फैसला होकर रहेगा, और वो ये कि बदर के साथ इसका निकाह कर दिया जाए। और बदर जब ये सुनता है तो पहले तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल में लड्डू फूट जाते हैं क्योंकि वो यही तो चाहता था, गेती का साथ, गेती का प्यार, ताकि गेती हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन गेती जब ये सुनती है तो वो रोती हैं, चिल्लाती हैं कि मुझे इस नौकर से शादी नहीं करनी, क्योंकि उसे कभी भी बदर पसंद नहीं था, उसे वो एक आंख नहीं पाता था। लेकिन उसका बाप ये फैसला सुना देता है और आखिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और आखिरकार बदर की किस्मत में गेती लिख दी जाती है और गेती के साथ उसका निकाह हो जाता है। आपको ये प्रोमो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा, लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।